Hey guys, आज की डिश बंगाल से है। आज हम बना रहे हैं क्रीमी प्रॉन करी। 7 से 8 मिनट लेती है ये डिश बनाने के लिए, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो होता है अमेजिंग। तो आज हम बनाएंगे क्रीमी प्रॉन करी। तो प्रॉन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रॉन्स को मैरिनेट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूंगा इसमें और थोड़ी सी हल्दी। मैरिनेट करने से प्रॉन्स का जो फ्लेवर होता है वो इंटेंसिफाई होता है। जितने भी एक्स्ट्रा जूसेस होते हैं प्रॉन्स के वो निकल जाते हैं। ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना है हमें इसे, 5 से 10 मिनट इनफ है। जब तक प्रॉन मैरिनेट होते हैं साइड बाय साइड हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में मैं ऑयल डाल लूँगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे, लौंग डाल देंगे, सिनेमन स्टिक, दालचीनी, इलायची डाल देंगे हम इसमें। जैसे ही खड़े मसाले सिजल करने लगे हम इसमें चॉप गार्लिक डाल देंगे, चॉप जिंजर डाल देंगे, फाइनली चॉप करा है मैंने जिंजर और गार्लिक। कलर नहीं देना है हमें, यहाँ पर हल्का सा सौते करना है। जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए जिंजर गार्लिक की, हम इस पे चॉप अनियन डाल देंगे और इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। कलर नहीं देना है हमें यहाँ पर। देखिए अनियन यहाँ पे अच्छे से सौते हो गया है, ट्रांसल्यूसेंट हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और चिली पाउडर ऐड करेंगे। मसालों को थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। ट्रेडिशनली ये डिश मैच्योर्ड कोकोनट से बनाई जाती है। अगर आपके पास मैच्योर्ड कोकोनट नहीं है तो कोकोनट मिल्क विल डू द जॉब। कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद नमक मैंने अभी तक ऐड नहीं करा है तो नमक ऐड कर लूंगा। यहाँ पे कोकोनट मिल्क बबल करने लगा है, रेडी हो गया है। जो हमने प्रॉन्स मैरिनेट करे थे वो मैं ग्रेवी में ऐड कर लूंगा। प्रॉन्स को ऐड करने के बाद हम 5 मिनट तक इसे पका लेंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि हम प्रॉन्स को यहाँ पर ओवरकुक ना करें। अगर हमने ओवरकुक करा तो प्रॉन्स रबरी हो जाते हैं, डिश की ब्यूटी सारी खत्म हो जाती है। तो प्रॉन्स को ओवरकुक नहीं करना है, 5 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हम प्रॉन्स को चेक करेंगे और डिश को सर्व करेंगे। 5 मिनट के बाद ये हमारे प्रॉन्स प्रॉपरली कुक हो गए हैं और ये हमारी क्रीमी प्रॉन करी रेडी। प्रॉन्स ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं कुक होने के लिए। अब हम इसे सर्व करेंगे। मैं एक बोल में डालूंगा इसे, ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिए एक्स्ट्रा किक के लिए और लगा लेंगे प्यारा सा धनिया और ये हमारी क्रीमी प्रॉन करी रेडी।